Good morning, children. Take out your Hindi workbook. Okay. Today we are going to do lesson number 2, which is Gilas mein Hathi. इस पाठ के मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ के मुख्य उद्देश्य हैं समझदारी से काम करना और हिम्मत ना हारना. ठीक है, हमें अपना कोई भी हम कार्य करें तो उसमें अपनी पूरी समझदारी का उपयोग करें. ठीक है, और कभी भी हम किसी भी काम में करने में हमें अपना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. ठीक है, तो ये इस कहानी के मुख्य उद्देश्य हैं. तो गिलास में हाथी, तो ये बेटा कहानी अकबर बीरबल की है. तो आपने अकबर बीरबल के पहले भी बहुत सारे जोक्स सुने होंगे ना, तो ये उन्हीं की. अकबर एक राजा थे, उनके दरबार में बीरबल थे. ठीक है, उनके नौ रत्न थे, उसमें से एक नौ रत्नों में से एक उनके बीरबल थे. ठीक है, तो जो बीरबल थे उनका वो क्या थे, उनका उनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा था, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था. ठीक है, और वो बहुत ही हाजिर जवाबी माने जाते थे, है ना. बीरबल राजा अकबर के दरबार में एक चतुर मंत्री थे. अकबर और बीरबल में बहुत प्रेम था. बीरबल के बिना राजा का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था. यदि कभी बीरबल को दरबार में पहुंचने में देर हो जाती तो राजा अकबर उदास हो जाते और नौकर को भेजकर बीरबल को तुरंत बुलवा लेते थे. ठीक है, तो राजा अकबर के कोर्ट में जो बीरबल थे वो उनके एक मंत्री थे. ठीक है, और जो अकबर और बीरबल, इन दोनों में बहुत ज़्यादा, वो एक अकबर राजा थे और बीरबल मंत्री थे, लेकिन उन लोगों में बहुत अच्छा संबंध था. मतलब बहुत ही इन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था. ठीक है, और जब भी, और मित्रता भी थी. और जब भी वो अगर कोर्ट पहुंचने में वो लेट हो जाता, कभी भी दरबार पहुंचने में बीरबल को देर हो जाता तो तुरंत ही अकबर क्या करते थे, अकबर एकदम बोर होने लगते थे और वो तुरंत ही किसी नौकर को भेज करके बीरबल को बुलवा लेते थे. एक समय की बात है, दरबार लगा हुआ था, सभी दरबारी वहाँ उपस्थित थे, परंतु बीरबल अभी तक नहीं पहुँचे थे. बीरबल की अनुपस्थिति में राजा को सब सूना सा लग रहा था. उन्होंने एक नौकर को आदेश दिया कि वह जाकर बीरबल को घर से तुरंत बुला लाए. तो एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था और सारे मंत्री वगैरह जो भी जितने थे सब दरबारी मौजूद थे, लेकिन जो बीरबल थे वो नहीं पहुंचे थे. इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बोरियत हो रही थी, सूना लग रहा था अकबर को. तो उन्होंने क्या किया, एक नौकर को आदेश दिया कि जाओ और बीरबल को तुरंत ले करके बुला करके ले आओ. राजा के आदेश से नौकर तुरंत बीरबल के पास पहुंचा और बोला, मंत्री महोदय, राजा आपको याद कर रहे हैं. ठीक है, तो उनका आदेश पा करके जो नौकर था वो बीरबल को बुलाने गया और उनसे कहा कि जो राजा है वो आपको याद कर रहे हैं, मतलब वो आपको बुला रहे हैं. बीरबल ने कहा, अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ. यह सुनकर नौकर चला गया. थोड़ी देर के बाद बीरबल भी वहाँ पहुँचे, बीरबल भी आ पहुँचे. बीरबल को देखकर राजा हंस पड़े और बीरबल से पूछा, बीरबल तुम इतनी देर तक कहाँ रह गए थे. ठीक है, तो क्या हुआ, जब नौकर चला गया उसके बाद बीरबल भी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो राजा के दरबार थे वहाँ पे पहुँच गए. उनको देखकर राजा के चेहरे पे वापस मुस्कान आ गई, वो खुश हो गए और बीरबल से पूछे कि तुम इतना लेट, तुमने आज क्यों कर दिया. बीरबल, महाराज बच्चा मचल गया था, उसको मनाते मनाते इतनी देर हो गई. ठीक है, तो बीरबल ने क्या कहा, बच्चा मचल गया था, मतलब बच्चा मचल गया था. इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनका बेटा था वो किसी चीज़ को लेकर के जिद करने लगा था. ठीक है, और आपको मालूम है बच्चे जिद करने लगते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा समझाना बुझाना पड़ता है, तब जाके कहीं मानते हैं. तो इसीलिए बीरबल ने कहा, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया. अकबर, अरे इतने बड़े मंत्री हो और बच्चे को मनाने में इतनी देर कर दी, भला बच्चे को मनाना भी कोई बड़ी बात है. तो अकबर ने क्या कहा कि तुम इतने बड़े मंत्री हो, इतने बुद्धिमान हो और तुम्हें बच्चे को मनाने में इतना समय लग गया. बच्चों को मनाना तो कोई कठिन काम थोड़ी है, बहुत आसान काम है. बीरबल, महाराज बच्चों को मनाना बहुत ही कठिन होता है. ठीक है, तो बीरबल ने क्या कहा कि बच्चों को मनाना आसान काम नहीं होता, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है. बीरबल, महाराज बच्चों, हाँ फिर अकबर, बीरबल कल तुम अपने बच्चों को साथ ले आना, देखते हैं हम सच्चे हैं या तुम. बीरबल, अच्छा महाराज. ठीक है, तो अकबर ने क्या आदेश दिया कि कल तुम अपने बेटे को यहीं कोर्ट दरबार में ले आना
और फिर हम उसको हम मनाने की, अगर वो कुछ जिद करेगा तो हम उसे मनाएंगे। और हम देखते हैं कि बच्चे को मनाना आसान काम होता है या कठिन काम। तुम कह रहे हो कि बहुत कठिन होता है और हम कह रहे हैं बहुत ही आसान होता है। तो बीरबल ने कहा ठीक है महाराज। अगले दिन बीरबल अपने बच्चों को भी साथ ले आए। उन्होंने उन्होंने बच्चा राजा को सौंपा और स्वयं काम करने लगे। बच्चा थोड़ी देर के बाद ऊँ ऊँ करने लगा। अकबर ने पूछा बेटा क्या चाहते हो? बच्चा ऊँ ऊँ मैं गेंद लूँगा। तो फिर बीरबल ने क्या किया, नेक्स्ट डे अपने बेटे को लेकर के आ गए और अपने बेटे को उन्होंने राजा के पास कर दिया और स्वयं वो अपने जो उनके काम हैं वो सब निपटाने लगे। तो अब जब राजा के पास वो बैठा, वो थोड़ी देर बाद बच्चा था वो बोर होने लगा और रोने लगा। तो अकबर ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने रोते हुए कहा कि मुझे एक गेंद चाहिए। बादशाह ने उसे गेंद मंगवा दी। बच्चे ने गिलास मांगा। अब जब गेंद मिल गई उस बच्चे को अकबर ने जब मंगवा दिया, तो उसने फिर एक गिलास की जिद की। तो फिर उन अकबर ने क्या किया, एक गिलास मंगवा दिया। बच्चा फिर ऊँ करने लगा, लेकिन गिलास पाने के बाद बच्चा फिर बोर होने लगा, फिर वो ऊँ करके रोने लगा। अकबर ने पूछा बेटा अब क्या चाहते हो? बच्चा हाथी। अब जब वो फिर जब रोने लगा, तो अब फिर अकबर फिर पूछने लगे बेटा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोला हाथी। राजा के आदेश से हाथी भी आ गया। अब वो तो राजा थे तो उन्होंने एक हाथी भी मंगवा दिया उसके लिए। बच्चा फिर रोने लगा। राजा ने पूछा बेटा अब क्या चाहिए? बच्चा हाथी को गिलास में डाल दो। ठीक है, तो अब जब हाथी आ गया तो थोड़ी देर बाद फिर बच्चा बोर होने लगा, फिर वो ऊँ करके रोने लगा। फिर राजा ने पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने क्या कहा कि इस हाथी को इस गिलास में, जो उसने पहले गिलास मंगवाया था, इस हाथी को इस गिलास में डाल दो। बच्चे को इस मांग का राजा उलझन में पड़ गए। वे नहीं समझ सके कि गिलास में हाथी कैसे डाला जा सकता है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा तुम्हारा बच्चा चाहता है कि हाथी गिलास में डाल दिया जाए, यह काम हमसे तो नहीं हो सकता, तुम ही करके दिखाओ। और जब उसने हाथी को गिलास में डालने की जिद करने लगा और रोने लगा, तो अकबर जो बादशाह अकबर थे वो भी परेशान हो गए कि उन्होंने सोचा कि भाई कोई चीज़ मांगेगा तो वो हम दे देंगे, लेकिन अब हाथी को कैसे गिलास में डाल दें। तो फिर हार करके उन्होंने फिर वापस बीरबल को बुलाया कि यार तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। बीरबल ने बच्चे से कहा बच्चे इधर देखो मैं अभी गिलास में हाथी डाल देता हूँ। ठीक है, बीरबल ने महावत को संकेत किया। उसने हाथी को बालक के चारों ओर घुमाया। हाथी कुछ देर घूमता रहा। इतने में एक नौकर से मिट्टी का एक हाथी मंगवाकर बीरबल ने चुपके से अपने हाथ में रख लिया। तभी बीरबल ने बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचा। इधर महावत हाथी को लेकर चला गया। ठीक है, तो फिर अब क्या था, अब बीरबल ने क्या किया कि जो महावत से कहा, जो हाथी को जो चलाते हैं उनको महावत कहते हैं। ठीक है, तो महावत से कहा कि उस हाथी को तुम बच्चे के चारों तरफ गोल गोल घुमाओ ताकि बच्चे का ध्यान बटे। ठीक है, जब महावत ये करने लगा तो उन्होंने क्या किया, एक नौकर से एक मिट्टी का एक छोटा सा हाथी मंगवा दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, महावत से कहा कि तुम धीरे से ध्यान बटा करके इसका बच्चे का तुम हाथी लेकर के चले जाना। तभी बीरबल ने बच्चे का ध्यान अपनी ओर खींचा। उधर महावत हाथी को लेकर चला गया। उसके बाद जो बच्चे का अटेंशन था वो हाथी पर था। फिर बीरबल ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया और इसी बीच में महावत जो था वो क्या किया, उसने वो हाथी को लेकर के चला गया। बीरबल ने मिट्टी का वह हाथी छिपा कर झट से गिलास में डाल दिया। फिर उन्होंने गिलास बच्चे को देकर कहा यह देखो हाथी गिलास में डाल दिया है, लो अब इससे खेलो। उसके बाद बीरबल ने क्या किया कि धीरे, जैसे महावत उधर चला गया और बच्चे का ध्यान अब बीरबल की तरफ था, तो उन्होंने एकाएक जो हाथी मिट्टी वाला हाथी था उसको गिलास में डाल दिया और उससे बच्चे से कहा कि देखो जो हाथी है वो अब गिलास में आ गया। उधर महावत हाथी को लेकर पहले चला गया था, तो बच्चे ने देखा कि भाई हाथी भी नहीं है अब, और मिट्टी का हाथी गिलास में था।
तो उसे लगा चलो देखो भी जो हाथी है वो गिलास में आ गया है। तो बीरबल ने कहा लो ये हाथी ले लो इस गिलास में और उसके साथ तुम वो खेलो। अब इसमें कुछ कठिन शब्द बेटा आए हैं, चतुर तुर, चतुर मतलब होशियार, ठीक है, चतुर, फिर तुरंत, तुरंत मतलब एकाएक, फिर उपस्थित, उपस्थित कहीं पे मौजूद रहना, ओके, फिर आदेश, कोई कमांड देना, आदेश देना ना, फिर उलझन, उलझन मतलब जब आप कोई चीज़ समझ ना पा रहे हो कि कैसे क्या करना है, कुछ डाउट है आपके मन में तो उसी को क्या कहते हैं, उलझन। फिर बिल्कुल, प्रेम, प्रेम आप जानते हो, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब गैर, कहीं पे मौजूद ना रहना, अनुपस्थित थे वो, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। फिर दरबार, दरबार वही जो कोर्ट राजा का जो पैलेस में जो दरबार लगाते हैं, ठीक है, और फिर महावत, महावत हाथी को चलाता है तो उसे हम लोग महावत बोलते हैं। तो बेटा ये जो कठिन शब्द है वो आप ये एक्सरसाइज करने के बाद उसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और उनकी स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग शब्दार्थ देखेंगे, ये जो वर्ड मीनिंग है इनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए महावत हाथी चलाने वाला, उपस्थित हाजिर, संकेत, संकेत मतलब इशारा, फिर उलझन मुश्किल झंझट, फिर झट जल्दी से, फिर मनचला रूठना, फिर नेक्स्ट है अनुपस्थिति ना आना, फिर आदेश, आदेश क्या होता है हुक्म, फिर तत्काल तुरंत उसी समय, तत्काल करना मतलब उसी समय तुरंत कर देना काम, फिर सौंपना हवाले करना, किसी को सौंपना यानी कि किसी के हवाले कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, प्रश्न वाला पे, इसमें मौखिक प्रश्न है, अकबर किस मंत्री को बहुत अधिक प्रेम करते थे, ठीक है, तो इनके आपको आंसर ओरली ही देने हैं। तो किसको वो बहुत प्रेम करते थे, तो वो बीरबल को, जो उनका मंत्री बीरबल थे उस उनको अकबर बादशाह बहुत प्रेम करते थे। फिर इसमें सेकंड प्रश्न है, राजा को सब सूना सूना क्यों लग रहा था, तो राजा को सूना कब लगता था, क्यों लगता था, कि जब जब बीरबल कोर्ट में मौजूद, दरबार में मौजूद नहीं रहते थे उस समय अकबर को बहुत सूना सूना लगता था, क्योंकि जो बीरबल थे वो बहुत ही हाजिर जवाबी थे, ठीक है, उनसे सब लोगों को वो इंटरटेन किया करते थे, इसलिए जब वो मौजूद नहीं रहते थे तो बादशाह अकबर को सब कुछ सूना सूना लगता था। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन है, बच्चा गिलास में क्या रखने की जिद कर रहा था, तो बच्चा गिलास में हाथी को रखने की जिद कर रहा था। अब है आपका लिखित प्रश्न, इसमें खा एक्सरसाइज में पहला है, इसमें बीरबल दरबार में देर से क्यों पहुंचे, तो इसका आंसर बेटा देखिए हमने यहाँ पे लिखा है, बीरबल को अपने बच्चे को मनाने में समय लगा, मनाने में समय लग गया, इसी कारण वो दरबार देर से पहुंचे। जो बीरबल थे वो अपने बच्चे को मना रहे थे, वो कुछ रूठ गया था, जिद कर रहा था, इसी चक्कर में उनको उसे मनाने में समय लग गया और वो देर से दरबार पहुंचे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने बीरबल से बच्चों को लाने के लिए को क्यों कहा, तो राजा ने उनको क्यों आदेश दिया कि तुम कल बच्चे को लेकर के आना, तो इसका आंसर है, राजा ने बीरबल को बच्चों को लेकर आने के लिए कहा ताकि वो साबित कर सकें कि बच्चों को मनाना कठिन नहीं होता है। वो बच्चे को लाने क्यों बोले थे, कि जो बच्चे को मनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता, अकबर ने बीरबल से कहा था ना, तो इसीलिए उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि अपने बच्चे को लाना और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि बच्चों को मनाना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3, राजा किस बात को सुनकर उलझन में पड़ गए, तो इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा, बच्चे की इस इच्छा पर कि हाथी को गिलास में डाल दो, राजा उलझन में पड़ गए। कब वो उलझन में पड़ गए, जब राजा, जब बच्चे ने क्या कहा कि हाथी को गिलास में डाल दो, यह सुन करके जो राजा ने, राजा उलझन में पड़ गए, कि राजा सोचे कि कोई भी चीज़ वो मांगेगा मैं मंगा दूंगा, लेकिन अब वो हाथी को गिलास में कैसे डालें, ये सोच करके वो उलझन में फंस गए। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, बीरबल ने बच्चों को कैसे मनाया, तो इसका आंसर है, बीरबल ने बच्चे का ध्यान बांटकर चुपके से एक मिट्टी का हाथी गिलास में डाल दिया और इस तरह से बच्चे
बच्चे को मनाया, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे का ध्यान बांट दिया। बच्चे जब दूसरी तरफ ध्यान दे रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक मिट्टी का हाथी उन्होंने गिलास में डाल दिया और महावत को इशारा कर दिया कि तुम हाथी लेकर के चले जाओ। इस तरीके से उन्होंने बच्चे को मनाया, ठीक है? अब हम आते हैं गा एक्सरसाइज पे। सही उत्तर पे टिक का निशान लगाइए। तो इसमें पहला है, अकबर ने बीरबल को बुलाने के लिए किसे भेजा? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नौकर को, महावत को या मंत्री को। तो किसको भेजा उन्होंने? इसमें ये वाला आ वाला ऑप्शन हो जाएगा, नौकर को, ठीक है? फिर सेकंड है, बच्चे ने सबसे पहले क्या मांगा? बच्चे ने सबसे पहले क्या मांगा था? सबसे पहले उसने गिलास, ओ सॉरी, सबसे पहले गेंद मांगी थी, फिर गिलास मांगा था, फिर उसको हाथी को गिलास में डालने के लिए बोला था। तो बच्चे ने सबसे पहले क्या मांगा? तो इसमें आप बा ऑप्शन गेंद पर टिक कर देंगे। फिर थर्ड है इसमें, हाथी को कौन लेकर चला गया? तो हाथी को कौन लेकर चला गया? अकबर, महावत की बीरबल। तो हाथी को महावत लेकर चला गया था ना, तो महावत पर टिक कर दीजिएगा। फिर फोर्थ है, बीरबल ने हाथी को किसमें डाल दिया? तो बीरबल ने हाथी को किसमें डाल दिया? प्लेट में डाल दिया, घड़े में डाल दिया या गिलास में डाल दिया? तो इसमें वो जो मिट्टी का हाथी उन्होंने मंगाया था, उसे किसमें डाल दिया? गिलास में डाल दिया, यही बच्चा मांग कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के हाथी को गिलास में डाल दिया। तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन पे आप टिक कर देंगे, ठीक है? ये बेटा हमने यहाँ पे सही ऑप्शन लिख दिए हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज घ, सत्य अथवा असत्य लिखिए। उसके बाद बेटा अपनी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सत्य तथा असत्य लिखिए। अकबर बीरबल को पसंद नहीं करते थे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा स्टेटमेंट? ये असत्य है, अकबर बीरबल को पसंद करते थे, तो इसी में आप असत्य लिख देंगे। फिर सेकंड है, राजा ने नौकर को बीरबल को बुलाने भेजा। तो ये बात भी सच है, अकबर ने किसे भेजा था? नौकर को भेजा था ना अपने बीरबल को बुलाने के लिए, तो इस पे आप क्या कर देंगे, सत्य कर देंगे। फिर थर्ड है, बीरबल ने हाथी को गिलास में डाल दिया। तो ये बात भी सच है, उन्होंने हाथी को, वो भले मिट्टी का हाथी था, लेकिन उसको उन्होंने गिलास में डाल दिया था, तो इसमें भी आप सत्य कर देंगे। फिर फोर्थ है, राजा दरबार से हाथी को लेकर चला गया। तो दरबार से हाथी को लेकर कौन गया था? महावत गया था, राजा नहीं गए थे ना, तो इसमें आप असत्य कर देंगे, फोर्थ वाला आपका असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका भाषा ज्ञान। शब्द पहेली में छिपे स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ कर लिखिए, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे देखिए, आपके ये सब जो शब्द हैं ये पुल्लिंग है, और आपको इसके जो अपोजिट स्त्रीलिंग शब्द हैं वो इस आपको इस जो ग्रिड है इसमें छिपे हुए हैं, तो उसमें आपको इन इसमें ढूंढना है आपको, ठीक है? शब्द पहेली है ये। तो राजा का क्या हो जाएगा, राजा का रानी होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए नीचे में सबसे नीचे वाले कॉलम, ये नीचे वाली रो में लास्ट में है रानी। फिर नौकर, नौकर का क्या होता है, स्त्रीलिंग नौकरानी। जो बेटा आपने जेंडर पढ़े हैं ना, मैस्कुलिन फेमिनिन, वैसे ही हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो नौकर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नौकरानी, यहाँ देखिए लास्ट वाले रो में नौकरानी, ठीक है? फिर पिता, पिता का क्या हो जाएगा, माता। तो देखिए यहाँ पे माता यहाँ पे है सेकंड वाले रो में लास्ट में, देखिए माता, ठीक है? फिर लास्ट वाला है बेटा, बेटा का क्या होगा स्त्रीलिंग, बेटी, सबसे फर्स्ट वाली रो में बेटी, ठीक है? तो ये आप इसमें कर लीजिएगा। ये बेटा हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया है, ओके। उसके बाद बेटा आपकी ख एक्सरसाइज है इसमें भाषा ज्ञान में, इसमें है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, ठीक है? जो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं उनके स्पेलिंग में मिस्टेक है, आपको उसको सही करके लिखना है। तो पहले देखिए क्या है, प्रेम, तो पा फिर रा पे एक ही मात्रा मैं लिखा, तो प्रेम में कैसे होता है, पा में इस तरीके से रा लगता है, प्रेम, ठीक है? फिर सेकंड देखिए, सेकंड है आपका बीरबल, तो ये किसका लिखा हुआ है, ये बीरबल के लिए है, तो बा पे छोटी लिखी हुई है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बा पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बीरबल हो जाएगा, ठीक है? फिर थर्ड है आपका नौकर, यह ना पे ए की मात्रा है, ठीक है? तो हमको क्या करना है, ना पे ओ की मात्रा आएगी, ठीक है? तो नौ
कर। फिर फोर्थ है हाथी, हाथी में था में देखिए छोटी ई लगा है वो गलत है, हाथी में था में आपकी बड़े ई की मात्रा आएगी, तो क्या हो जाएगा हाथी। फिर ये क्या देखो, ये देखिए मिट्टी का अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, तो मिट्टी आप कैसे लिखेंगे, मिट्टी लिखने के लिए आप माँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर टा पे हलन, फिर टा पे बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा आपका मिट्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका महावत, तो उसके लिए लगाए महवात, ठीक है। तो ये जो वा पे आ की मात्रा है उसे आप हटा देंगे और हा पे आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा महावत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बेटा लिखित बोध, लिखित बोध में है आपका बीरबल की बुद्धिमता की कोई एक कहानी संक्षेप में लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है जिसमें पता चले कि जो बीरबल है वो बहुत ही होशियार थे, उसकी एक कोई कहानी आपको छोटे में लिखनी है, ठीक है। तो हमने बेटा एक कहानी, हमने यहाँ पे छोटी किसी उनका एक जोक था उसको लिखा है। एक बार अकबर और बीरबल टहल रहे थे, रास्ते में एक तुलसी के पौधे को देखकर बीरबल ने प्रणाम किया और अकबर को बताया कि ये मेरी माता है। तो तुलसी जी का पौधा बीरबल ने देखा और उसको प्रणाम किया और अकबर से क्या बोले कि ये मेरी माता है। सब लोग पूजा करते हैं ना, अपनी माता मानते हैं। तो अकबर ने गुस्से से तुलसी का पौधे को उखाड़ दिया और बीरबल से बोले तुम्हारी कितनी माता है। तो अकबर ने क्या किया, उस पौधे को उखाड़ दिया और उनके ऊपर व्यंग किया कि तुम्हारी कितनी माता है, कि तुलसी भी माता हो गई, तुम्हारी एक अपनी भी माता है, तो इसलिए उस पर व्यंग किया। तो ये चीज़ बीरबल को अच्छा नहीं लगा, तो बीरबल को लगा कि अब इनको हम कुछ सबक सिखाएंगे, ठीक है। कुछ आगे चलने पर खुजली वाला पौधा दिखा, एक पौधा होता है जिससे छूने पे पूरे शरीर में खुजली होने लगती, तो वो वाला पौधा दिखाई दिया। तो फिर बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम किया और कहा यह मेरे पिता हैं, ठीक है। तो उस पौधे को देख करके बीरबल ने क्या किया, फिर एक चालाकी की, उन्होंने क्या किया उस पौधे को लेट करके दंडवत होकर के उसको प्रणाम किया और अकबर से क्या बोले कि यह मेरे पिता हैं, और कहा यह मेरे पिता हैं। अकबर ने गुस्से से उसे भी उखाड़ा, तब उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगी। तो फिर क्या किया अकबर ने, अकबर को गुस्सा आ गया कि अभी अभी माता कर रहा था, अभी देखो दूसरा पौधा देखो तो कह रहा है मेरे पिता हैं। तो अकबर ने गुस्से से क्या किया, उस पौधे को भी उखाड़ दिया। जब उसको पौधे को उन्होंने उखाड़ा तो उनके हाथ में वो जैसे पौधा जब टच किया तो उनके हाथ पैर में सब जगह खुजली होने लगी। बीरबल ने अकबर से कहा आपने मेरी माता को कष्ट दिया इसलिए पिताजी नाराज हो गए। तो बीरबल ने क्या कहा अकबर से कि आपने मेरी माता को कष्ट दिया, उनको उखाड़ दिया था, इसलिए जो मेरे पिताजी हैं ये जो पौधा है ये मेरे पिता थे, तो ये बहुत नाराज हो गए थे और इन्होंने आपको खुजली दे दी, आपको परेशान कर दिया, ठीक है बेटा। तो आप ये वाली चाहिएगा तो ये स्टोरी लिख लीजिएगा, इसमें भी आपको बीरबल की इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमत्ता का पता चलता है। और ऐसे अगर आपको कोई और दूसरी भी कोई छोटी सी स्टोरी होगी शॉर्ट स्टोरी बीरबल की तो वो आप इसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी रचनात्मक गतिविधि, सुंदर रंग भरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी देखिए एक महावत की पिक्चर है और एक एलिफेंट बना हुआ है, तो उसमें आपको अच्छे से कलर कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा पूरी एक्सरसाइज आप अपने फेयर कॉपी में कर लीजिएगा और उसके बाद जो कठिन वर्ड्स जो कठिन शब्द दिए रहते हैं वो उनको लिख करके उनको लिख लीजिएगा और जो शब्दार्थ है बेटा वर्ड मीनिंग उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में ये कठिन वर्ड शब्द लिख करके और उसके बाद जो ये शब्दार्थ दिए हैं उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।